हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनीष दुबे। दिस इज़ दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आरबीएस पॉलिटेक्निक बीजपुरी आगरा। आज हम मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे पहला क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये है कि वे ट्रांसड्यूसर जो स्वयं अपने लिए वोल्टता एवं करंट उत्पन्न करते हैं, डैश आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, किस प्रकार के ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। जैसे इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वेश्चन देगा कि वे ट्रांसड्यूसर जो अपने लिए वोल्टता एवं करंट उत्पन्न करते हैं किस प्रकार के ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। तो इसका आंसर एक्टिव ट्रांसड्यूसर। जैसे मैंने बताया था दो ट्रांसड्यूसर, एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं कि जो जिन्हें बाहर से किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वयं अपने लिए करंट या वोल्टता उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे नाम से लग रहा है एक्टिव है। जैसे एक्टिव कब कहलाएगा, जैसे मान लो तुम ही कहलाओगे एक्टिव कब हो, एक्टिव मीन्स काम करने वाला, खूब काम करने वाला, एक्टिव रहेगा वो तो अपने आप ही सब कुछ कर लेगा। उसी तरह से ये जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, एक्टिव मीन्स अपने आप ही सब कुछ उत्पन्न कर लेंगे। समझ में आ गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। वे ट्रांसड्यूसर जिन्हें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत राशि में बदलने के लिए बाह्य विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, डैश आगे प्रकार के ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। जैसे इसमें दिया है कि वे ट्रांसड्यूसर जिन्हें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे ट्रांसड्यूसर क्या करता है, किसी भी वन सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ज़्यादातर मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तभी तो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, वो सिग्नल दिखाता है, जैसे थर्मोकपल के बाद बताया था मैंने। तो इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर जो जिन्हें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने के लिए बाह्य विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है कहलाते हैं, किस प्रकार के ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। बाह्य विद्युत ऊर्जा अभी बात हो रही थी, देख ये ट्रांसड्यूसर जो अपने लिए स्वयं उत्पन्न कर ले रहे हैं, ये इसको बाहर से देना पड़ेगा। जब इसे बाहर से देना पड़ेगा तो इसका इसको क्या कहेंगे, निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर या पैसिव ट्रांसड्यूसर। जैसे निष्क्रिय मतलब निष्क्रिय पड़े रहने का मतलब क्या कि बाहर से, जैसे मान लो आप ही निष्क्रिय पड़े रहोगे, बेड पे लेटे रहोगे, तो बाहर से कोई आएगा घर पे, मम्मी पीटेंगी तब तो उठोगे बेड से। तो उसी तरह से बाहर से इसको कोई पीट रहा है, उसी तरह समझ लो एक तरह से इसमें बाहर से ये जो ट्रांसड्यूसर होते हैं बाहर से इनको एनर्जी दी जा रही है। समझ में आ गया, इसलिए इसका नाम निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर या पैसिव ट्रांसड्यूसर। अगला क्वेश्चन है एलबीडीटी में कितनी कुंडलियाँ होती हैं। तो जैसे एलबीडीटी मैंने बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। इसके बारे में मैंने पिछले एमसीक्यू में काफ़ी डिस्कस किया था इसके बारे में। तो देखो एलबीडीटी मैंने बताया था, देखो ये प्राइमरी ऐसे वाइंडिंग होती है यहीं पे, फिर देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में तीन हो जाती है। तीन मतलब क्या, तीन मीन्स क्या, यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वाइंड, जैसे मान लो ये ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे तीन हो जाती है क्योंकि इसको कट कर दिया जाता है बीच में, आधा ये। तो कितने हो जाएंगे, एक दो तीन, तो आंसर कितना हो जाएगा, तीन, उत्तर तीन हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन LVDTA, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर एक किस प्रकार का प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर है। जैसे बताया था LVDT किस पे काम करता है, LVDT जैसे ये आपका प्राइमरी हो गया, यहाँ पे सेकेंडरी हो गया, जैसे ये LVDT एक प्रकार का प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर है। किस प्रकार का प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर है, निष्क्रिय प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर है। क्यों, क्योंकि LVDT में जो भी जाएगा उस पर आप दें, तो LVDT किस पे काम करता है, प्रेरक के सिद्धांत पे काम करता है। तो प्रेरक के सिद्धांत पे काम करता है तो निष्क्रिय होगा ना, पैसिव होगा, बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, तो स्वयं प्रेरणा के द्वारा मीन्स इंडक्टेंस के कारण एक कॉइल से दूसरे कॉइल में पहुंचेगा आपका फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स पहुंचेगा, उसी चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या होगा आपका, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसी से करंट फ्लो होगा, उसी में वोल्टेज आएगा, वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करते हैं, मैंने बताया था अच्छे से। अब देखो स्ट्रेन गेज एक किस प्रकार का ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गेज एक एनालॉग प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, एनालॉग प्रकार का मैंने बताया था पिछले में, जो टाइम के साथ कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है ताप युग तापमापी में दो चालकों को उनके सिरों पर, जैसे मैंने बताया था थर्मोकपल, ताप युग तापमापी को कहते हैं थर्मोकपल, जो थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है उसमें दो जंक्शन बनाते हैं आप लोग देखे होंगे, दो जंक्शन बनाते हैं और दोनों जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखा जाता है, वो डिफरेंट टेम्परेचर के कारण क्या होता है उसमें EMF जनरेट हो जाता है।
समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध तापमान रजिस्टेंस थर्मोमीटर से कम तापमान पर सूक्ष्म मापन के लिए रजिस्टेंस थर्मोमीटर कितने कम से कितने डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान के लिए मेजर किया जाता है? तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ज़्यादा तापमान के लिए मेजरमेंट के लिए आवश्यकता ये मेजर नहीं कर सकता है ये रजिस्टेंस थर्मोमीटर। उसके लिए क्या, उसके अगर ज़्यादा से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करना है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करना है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मेजर करना है, इसके लिए आप लोग, इसके लिए मैंने बताया था पायरोमीटर यूज करते हैं, रेडिएशन पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर, उस तरह से। अगला क्वेश्चन देखो, स्ट्रेन गेज में दाब के प्रयोग से जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध में, जब दाब के जब स्ट्रेन गेज, मैंने बताया था पिछले MCQ में भी कि स्ट्रेन गेज में जब दाब प्रेशर लगाते हो तो प्रेशर लगाने से जब लंबाई, जैसे मान लो प्रेशर लगाने से क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी, विकृति आएगी, उन्हीं विकृति को तो मेजर करता ही है, विकृति आएगी तो उसके प्रतिरोध में क्या होगा, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसका फार्मूला मैंने बताया था, स्ट्रेन KL/A, R = KL/A, जब जैसे R = KL/A, अब यहाँ पे एक मिनट, जैसे अभी ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था मैं, जैसे स्ट्रेन गेज में दाब के प्रयोग से जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध में क्या होता है, जैसे स्ट्रेन गेज में जब स्ट्रेन गेज है, ये स्ट्रेन गेज में जब प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, इसके विकृति आएगा, तो इसका मैंने फार्मूला निकाला था पिछले टर्म पे, R = KL/A, तो जब लंबाई बढ़ेगी तो देखो R किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, क्योंकि R = KL/A है, तो देखो R और L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, तो जब लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, प्रतिरोध में वृद्धि होगी, आंसर हो जाएगा वृद्धि होती है। समझ में आ गया। और जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, अभी थर्मोकपल में देखो, थर्मोकपल में दो धातु को, चल थर्मोकपल क्या होता है, किन्हीं दो असमान को जोड़ोगे, जो जोड़ो के यहाँ पे जंक्शन बनाओगे, दोनों तरफ इसको हॉट एंड बनाओगे, इसको कोल्ड एंड बनाओगे, और दोनों को डिफरेंट टेम्परेचर पे रखोगे, तो टेम्परेचर जो डिफरेंस होगा ∆T/dT से, वही इसके इसमें जो वोल्टेज जनरेट होगा उसी के बराबर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही।